हेलो, मैं हूं संदीप सिंह और आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को फुल वर्जन बनाकर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल करने के बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फेल, दूसरा है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर रजिस्टर्ड फॉर ओनली 30 डेज जो ट्रायल वर्जन है, और इस तरह का भी प्रॉब्लम मिलने को देखने को मिलता है, जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर 30 डेज। अब हम आपको दिखाने जाएंगे कि इन सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपके लैपटॉप या पीसी पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल है तो आप प्लीज इसे अनइंस्टॉल कर ले। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। अनइंस्टॉल करने के लिए आप सर्च ऑप्शन में जाके कंट्रोल पैनल को टाइप करें। कंट्रोल पैनल ऑप्शन दिखेगा आपको, उसको क्लिक करें। आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल खुल चुका है और यहाँ पे आप प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम में सेलेक्ट कीजिए अनइंस्टॉल प्रोग्राम को। फिर आप देख सकते हैं सारे सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, वहां पे जाकर आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को क्लिक करें और फिर ऊपर जाकर अनइंस्टॉल को क्लिक करें और फिर फुल को सिलेक्ट कीजिए। फिर आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए, फिर से फिनिश को। तो अभी हमारा इंटरनेट मैनेजर इन प्रोसेस में है अनइंस्टॉल होने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अपना कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए, तो आप ओके क्लिक करके इसे रिबूट कर दें। अभी आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम फाइल्स में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर अनइंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिएगा। उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी देखिए हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है आईडी मैन, इसको आप फिर डबल क्लिक करें। अभी हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे आप जाके नेक्स्ट को क्लिक करें, उसके बाद वापिस से नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट और एक बार नेक्स्ट करने का देखिए ये हो रहा है। अब आप इसे फिनिश कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अभी आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड दिखाई दे रहा है, उसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अभी से एग्जिट कर दीजिए। अगर आप इंटरनेट मैनेजर को डबल क्लिक करके ओपन करें, फिर वहां पे क्रैक फोल्डर को ओपन करें, वहां पे आईडी मैन आइकॉन को आप कॉपी कर लीजिए। अभी आप सी ड्राइव में जाकर वहां पे प्रोग्राम फाइल into 86 दिया हुआ है, उसको ओपन करें और फिर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पे ओपन कीजिए उसको। फिर वहां पे जाकर आप उसे पेस्ट कर दीजिए। अभी आप यहाँ पर देखिए कि रिप्लेस इन दी फाइल इन डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप फिर कंटिन्यू कर दीजिए और देखिए कि यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अभी आप इसको ओपन कीजिए और देखिए कि रजिस्ट्रेशन में जाकर देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो चुका है। अब हम अपना इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बढ़िया से यूज कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसे अपडेट मत करिएगा, अपडेट का ऑप्शन जब भी आए उसे कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो कमेंट पे इसे रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।